morning guys, welcome to the back our channel. I hope you guys are absolutely fine. Hello, आज हम लोगों का ट्रिप स्टार्ट होने वाला है सूरत टू गोंडल. तो अभी हम लोग जा रहे हैं गोंडल और फिर अभी हम लोग गुजरात के जो चार सिटीज़ है, जो मेट्रो सिटीज़ है उसके अंदर होके जाएंगे और अहमदाबाद से हम लोगों को गरिमा को पिकअप करना है. तो चलो लेट्स गो स्टार्ट अवर जर्नी. हम लोग ये ट्रिप इसलिए प्लान कर रहे हैं क्योंकि हम लोग काफ़ी टाइम से हमारे होम टाउन गोंडल नहीं गए थे. तो हमने सोचा कि ये जन्माष्टमी की छुट्टियां में हम लोग मॉम डॉट के साथ, फैमिली के साथ हम लोग टाइम स्पेंड करें. नेक्स्ट ट्रिप के लिए ऑलमोस्ट पैकिंग हो गया है. Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways. Till my shadow turns to sun rays. And on we'll go through the wastelands, through the highway. हम लोग बड़ौदा पहुंचने वाले हैं और बड़ौदा सिटी के बारे में बताऊँ तो कि हम लोगों की बहुत सारी यादें हैं बड़ौदा सिटी में, क्योंकि मैंने और भाई ने दोनों ने बड़ौदा में स्टडी किया है और बड़ौदा सिटी ऑफ स्टडी है क्योंकि MS यूनिवर्सिटी इंडिया में बहुत ही फेमस यूनिवर्सिटी है और वो गवर्नमेंट मानिया है. तो और स्टडी भी बहुत ही अच्छा है और उस टाइम पे राजा ने ऐसे कोर्सेज डलवाए थे यूनिवर्सिटी में जो लंदन में और पेरिस में, पेरिस की यूनिवर्सिटीज़ में होते थे. और ऐसा है यूनिवर्सिटीज़ की खासियत की ये राजा ने पहले ही रूल्स ऐसा डलवाया था कि मेरी यूनिवर्सिटी के आजू बाजू कोई कॉलेज या स्कूल नहीं हो, जो जिसकी वजह से इसका जो मोटो है वो मतलब कम हो जाए. इस वजह से पहले से ही रूल्स हैं, गवर्नमेंट में भी ये रूल्स है कि 15 किलोमीटर्स दूर कोई भी स्कूल या कॉलेज चालू करना हो तो 50 मतलब इस यूनिवर्सिटी से 15 किलोमीटर दूर करा जाए. इस वजह से अभी इस सिटी के अंदर कोई भी यूनिवर्सिटीज़ नहीं है. जो भी अभी प्राइवेट यूनिवर्सिटी है बड़ौदा के अंदर और बोलते हैं कि बड़ौदा में है, बट वो बड़ौदा में नहीं है एक्चुअल में, वो आउट ऑफ सिटी है. जो मतलब ये राजा का रूल्स ही ऐसा था. जो हम लोग देखेंगे कि छोटे छोटे वीडियोस से कि यूनिवर्सिटी के पार्ट्स कहाँ कहाँ पे है, कौन कौन सा डिपार्टमेंट है, तो थोड़े सी चीज़ें देखेंगे. और यूनिवर्सिटी का आर्किटेक्चर इज अ वंडरफुल आर्किटेक्चर. तो आज हम लोग ताज़ा करेंगे इस ट्रिप में कि हमारी जो हॉस्टल लाइफ थी, मेरी कॉलेज लाइफ थी, भाई की भी हॉस्टल लाइफ और कॉलेज लाइफ थी, उसको आज ताज़ा करेंगे. और इस सिटी में दो चीज़ फेमस है, एक तो यहाँ की यूनिवर्सिटी MS यूनिवर्सिटी एंड दूसरा है यहाँ पे राजा का लक्ष्मी विलास पैलेस, जहाँ पे मतलब बहुत सारे मूवी के, बॉलीवुड मूवी के शूटिंग्स वगैरह हुए हैं यहाँ पे. और ये बहुत ही फेमस है, वहाँ बहुत सारे वेडिंग्स भी होते हैं ये पैलेस में, तो वो बहुत ही फेमस है. हम लोग थोड़ा सा उसका नज़ारा देखेंगे.
पूरे सिटी में उसके डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट है रखे हैं, क्योंकि एटमॉस्फेयर के हिसाब से सारे डिपार्टमेंट डिज़ाइन किए गए थे, आर्किटेक्ट इस तरीके से बनाए गए थे। ये हंसा मेहता लाइब्रेरी है जो इंडिया में सेकंड नंबर पे आती है। अंदर से सिटी में से बाहर होती है विश्वामित्री रिवर, जो उसके किनारे फाइन आर्ट्स डिपार्टमेंट को डाला गया है जहाँ पे मैंने स्टडी किया है। दूसरा है टेक्नोलॉजी फैकल्टी है, तो वो फैकल्टी सिटी में इस तरीके से जहाँ पे मिडल पार्ट होता है सिटी में, तो उनको वहाँ पे रखा गया है। फिर परफॉर्मिंग आर्ट्स फैकल्टी है, उनको जो वहाँ पे एक मैनमेड लेक बनाया गया है उसके किनारे पे वो रखा है। और मैंने इस यूनिवर्सिटी में फाइन आर्ट्स का स्टडी किया है जो ऑलरेडी इंडिया में और एशिया में उसका नंबर आता है। गुजारे हैं और यहाँ पे इतने सारे बंदर आते हैं, देखो इतने सारे बंदर होते हैं। और मैंने मेरे दिमाग में ऐसा कुछ था कि मतलब मैं स्कल्पचर आर्टिस्ट था तो मुझे किस स्कल्पचर में कुछ ना कुछ बनाना था, तो मैं ये दिखाता हूँ कि ये बंदर कहीं पे भी पोटी कर देते हैं। तो मैंने ये चीज़ देख के ये वाला जो स्कल्पचर है वो मेरा स्कल्पचर है और मैंने बंदर की पोटी बनाई थी इन वुड में। तो आज भी 6.5 साल 7 साल हो गए हैं इस चीज़ को और वो आज भी मेरा कल्चर इधर है। मेरे को बहुत खुशी होती है ये देख के कि हम लोग अभी हॉस्टल में नहीं रहते हैं, फिर भी यहाँ से निकलने के टाइम पे ऐसा लगता है कि एक बार यहाँ पे देख के जाए, क्योंकि ये चीज़ मैंने बनाई थी और भले ही अनफिनिश्ड हो। और अभी ये अच्छी बात है कि बंदर भी है इधर, तो दैट इज़ वेरी मेमोरेबल मोमेंट कि भाई चलो मेरी ये चीज़ यहाँ पे है। Oh, 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 oh
लोग सुबह में बहुत अर्ली निकले थे तो सोचा कि बड़ौदा में ब्रेकफास्ट करते हुए निकले, तो अभी ब्रेकफास्ट के लिए इधर रुके हैं। अभी अहमदाबाद में एंटर कर रहे हैं, इधर एक दो काम है, भाभी को भी इधर से पिकअप करना है और हमारा एक मीटिंग है, तो वो दोनों खत्म करके हम लोग फिर राजकोट की ओर निकलेंगे। ठीक है, हम लोग फाइनली अहमदाबाद से निकल गए हैं और ऐसा लग ही नहीं रहा है कि मॉनसून है, एकदम समर चल रहा है, फुल ऑन धूप है और बहुत ही गर्मी है। और अभी गरिमा भी आ गई है साथ में क्योंकि अहमदाबाद से उसको लेना था। और फाइनली हम लोग अभी अहमदाबाद से सारा काम खत्म करके और फैमिली को मिलके निकल गए हैं। थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं राजकोट, और राजकोट हम लोग रुकने वाले नहीं है क्योंकि बहुत लेट हो गया है, तो हम लोग डायरेक्ट गोंडल के लिए निकल जाएंगे। गोंडल वहां से 30 किलोमीटर दूर है, तो हम लोग डायरेक्ट गोंडल के लिए निकलेंगे। रंगीलू राजकोट इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ के लोग बहुत सारा एंजॉय करते हैं और यहाँ पे बोलते हैं कि बहुत सारा लोग मौज करते हैं, इसलिए बोलते हैं कि रंगीलू राजकोट। और राजकोट फेमस बिजनेस के लिए फेमस है, यहाँ पे बहुत सारा आयरन का बिजनेस होता है और राजकोट में बहुत सारी ऐसी कंपनियाँ हैं जहाँ पे आयरन का प्रोडक्शन जाता है। फॉर एग्जांपल अतुल ऑटो भी यहाँ पे है, जहाँ पे जहाँ से पूरे इंडिया में जो ऑटो होती है वो यहाँ से बन के जाती है। सबमर्सिबल की भी बहुत सारी फैक्ट्रियाँ हैं यहाँ पे, बेरिंग की भी फैक्ट्रियाँ हैं यहाँ पे, क्योंकि उसमें से एक भी मेरे पापा की भी फैक्ट्री है बेरिंग की। सो फाइनली हम लोग घर पहुंच गए हैं। पूरे दिन ट्रैवल किया है, मॉर्निंग 5 o'clock से लेके अभी 8:30 बज चुका है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो, और अच्छा लगा है तो लाइक करना मत भूलना, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो भी एक बार कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, मिलते हैं अभी अपने नेक्स्ट वीडियो में।